नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। खबर दिल्ली की सियासत से है, लेकिन दूसरे एंगल के साथ एक खबर लेके आया हूँ मैं। दर्शकों का काफ़ी कमेंट आया और लोग इस बात को जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होना ईडी के सामने, ईडी ने समन जो जारी किया है, अगर ईडी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होती है, जैसे मनीष सिसोदिया के संदर्भ में हुआ या संजय सिंह के संदर्भ में हुआ, दोनों ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, और दोनों की ही बातों से जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो ईडी उन्हें अपने साथ ले गई। तो दिन में हमने इस बात पर आपको खबर भी दिखाई थी, हमने विश्लेषण भी किया था कि अगर ईडी संतुष्ट नहीं होती है तो किन आधारों पर अरविंद केजरीवाल को जेल हो सकती है। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये कहा और हम तक इस बात का संदेश पहुंचाया कि अच्छा, कि क्या होगा और कैसे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है भारतीय जांच एजेंसी, और ये सवाल आना भी जायज़ था या लाजमी भी था। अचंभित किया कि दर्शक इतना जागरूक हो गया है कि वह पूछ रहा है कि इस देश की राजनीति में, इस देश की जांच एजेंसियों में क्या इतनी हिम्मत है कि वो एक मुख्यमंत्री जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री है उसको गिरफ्तार कर सके, क्योंकि हमारे देश में ये आम बात नहीं है। दर्शकों को, जनता को, आम जनता को ये चीज़ें अचंभित करती है, क्योंकि कितनी ही हिंदी फिल्में आई जिसमें यही दर्शाया गया कि नेता को राजनीति में रहते हुए या किसी भी नेता को आज़ादी से लेकर अब तक जेल में नहीं जाना पड़ा या सख्त सजा नहीं होती है, छूट जाते हैं कुछ साल दिन महीनों का, वो वहाँ पर हनीमून टूर कर आते हैं, बैठ आते हैं। ये एक परिकल्पना हमारे देश की राजनीति के लिए आम दर्शकों, आम मतदाताओं के मन में एक ये धारणा के रूप में है। और एक धारणा ये भी है कि जो नेता जेल जाता है वह मजबूत होता है, वह बड़ा बनता है। ये धारणा लगभग आपातकाल के बाद से बंद हो गई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन वैसे नेता आज के दौर में दिखते नहीं हैं। तो इसी चीज़ को लेकर अभी फिर हमने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए पेश की जाए और कुछ नियम बताए जाएँ कि किन आधारों पर और किस माहौल में क्या नियम है, किस तरीके से इस देश में मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया जा सकता है, और क्या मुख्यमंत्री को हिरासत में लेना आसानी से केंद्रीय जांच एजेंसी या देश में कार्यरत किसी भी जांच एजेंसी के लिए आसान बात है कि नहीं है। देखिए दर्शकों, हमारे देश का जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, अगर आप उसी को समझेंगे तो ये बात बड़ी मुश्किल सी दिखती है, क्योंकि एक फैशन बन गया है। हमने नेशनल हेराल्ड का भी मामला देखा, या भाजपा के, अभी तो हाल में तो नहीं लेकिन पूर्व में जब भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं थी तो जब भाजपा के नेताओं को जांच एजेंसी बुलाती थी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, या अब वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व वर्तमान सहयोगी, जो पूर्व में एक उप मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में एक राज्यसभा सांसद है, वो जेल में है, तो किस तरीके से आपने देखा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मदद से जांच एजेंसी और केंद्र सरकार, या मैं यूँ कहूँ कि केंद्र सरकार को यहाँ पे लाने का कोई मौजू और मसला है नहीं, सिर्फ जांच एजेंसी पर किस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अभी जब 27 तारीख को लगभग संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी तो मैं भी कवर करने गया था, आम आदमी पार्टी के बाहर मैं था, और मैंने देखा कि किस रूप में आपके कार्यकर्ताओं ने, बहुत बिजी रोड है जो जहां पे आम आदमी पार्टी का 206 राउज एवेन्यू रोड पे ऑफिस है, उससे आगे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, काफ़ी बिजी रोड है, बहुत वाहन आते हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं, संसद भवन पास से है, तो वहाँ पर किस रूप में आपके कार्यकर्ताओं ने उस सड़क को ब्लॉक किया, सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के एहतियातन उस पूरी सड़क को ब्लॉक किया, तो एक तरीके से राजनीतिक दबाव तो बनाने की कोशिश करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, जिसमें समस्या और कष्ट आम आदमी को होता है, जो उनके मतदाता होते हैं या
वो जो लोकतंत्र का हिस्सा है और जिंदगी को सुकून और आसान बनाने के लिए वोट करते हैं। लेकिन इसके उल्टे में होता क्या है कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में या किसी दल का बड़ा नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त या संदिग्ध पाया जाता है तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आम आदमी को भी कष्ट पहुंचाते हैं। उस दिन भी मैंने ये देखा। तो जांच एजेंसियों के लिए इस देश में बड़े नेता पर गिरफ्तारी करना, दबिश देना, सवाल जवाब करना बड़ा कष्ट का माहौल है। पिछली बार जब सीबीआई ने 9 घंटे के लिए केजरीवाल साहब को बुलाया था तो भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। नेशनल हेराल्ड केस में हमने राहुल गांधी को जब ईडी ने बुलाया तब भी हमने देखा। तो ये राजनीतिक दबाव तो रहता है जाँच एजेंसियों पर, लेकिन इसके इतर भी अगर जाँच एजेंसी ये मन बना ले कि हमें किसी को गिरफ्तार करना है या किसी जो एक तरीके से घोटाले का मामला है उसकी तह तक जाना है, सजा दिलानी है, जो भी, तो ये एकदम मुमकिन है कि मौजूदा मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी जांच एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के लिए सब बराबर है। हाँ, एका जो प्रावधान है कि उसमें अनुमति का प्रावधान है, अनुमति लेने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बच सकते हैं। तो अभी दिल्ली का मामला है तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही मामला है। ईडी ने समन जारी किया है, कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी कयासों से घबरा कर या यूं कहें कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज बैक टू बैक लगभग 4, जहाँ तक मेरी उस सुबह गोपाल राय, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे की प्रेस वार्ता भी हुई कि ले तो क्या केजरीवाल को गिरफ्तार यानी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना आसान है और क्या क्या उसकी प्रोसीजर्स हैं, तो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से क्या नियम है, नियमावली क्या कहती है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष साबित होने पर वह व्यक्ति दोषी होता है। इसके साथ ही जो गिरफ्तारी है सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर अलग नियम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135, ध्यान से सुनिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है, समझ गए। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छूट केवल सिविल मामलों में है, समझ गए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सिविल मामलों में 135 के तहत छूट दी गई है। यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला हो जाता है तो ये छूट नहीं दी जाएगी, है ना, उस मामले में, उस संदर्भ में ये छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए कुछ दिनों का नियम है, ठीक है। इसके तहत यदि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और इसके खत्म, कोई भी विधानसभा सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर क्रिमिनल मामले में आपको गिरफ्तार करना है तो सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री को, हाँ, एक जो दायरा बढ़ा है जो गिरफ्तारी में अवरोधक के तौर पे, कि अगर सदन चल रहा होता तो मुख्यमंत्री को सदन के भीतर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये नियम है मुख्यमंत्री को गिरफ्तार और गिरफ्तार ना करने के। तो बहुत ज़्यादा कष्ट हमारी जाँच एजेंसियों को होने वाला, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। और आसानी से अगर जांच एजेंसियों को जरा भी संदेह लगा तो आसानी से गिरफ्तारी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन इसमें बता दें संक्षिप्त में कि ये नियम जो मैंने अभी मुख्यमंत्री के संदर्भ में बताए, ऐसे ही समान नियम
प्रधानमंत्री के लिए भी है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए थोड़े से नियम अलग हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 361 ये संरक्षण देता है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को कि किसी भी क्रिमिनल यानी किसी भी क्रिमिनल और सिविल मैटर पर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा, फिर जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए 2 तारीख को पता चलेगा या 3 को पता चले, 4 को 5 को, कि ईडी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या छोड़ देती है, उनके जवाबों से संतुष्ट होकर छोड़ देती है, आने वाला समय बताएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।